वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असीं सुणांगे साखी बोता सिंह गरजा सिंह। एक जंगल विच वगदा होया कोई नाला है, दो सिंह हेठां झल विच वड़दे जा रहे हैं। कुछ दूर दो घोड़सवार आउंदे दिस रहे हैं। सिंह इन्हां घोड़सवारां नूं देख के हेठां लुक रहे हैं। घोड़सवार नेड़े आउंदे हैं। उह दो मुगल सिपाही हैं ते आपस विच गल्लां कर रहे हैं। उन्हां नूं हिलदे सरकंडियां ते कुछ शक होया। सिंह दरबार साहब के दर्शन इशनान चले सन, पर हकूमत की सख्ती कारण लुक छिपके जा रहे हैं। तरन तारण साहब के सरोवर में इशनान करन तो बाद हुण उन्हां दरबार साहब अमृतसर का रुख किया है। सिपाहियों दीयां गल्लां सुन के उन्हां अंदर कुछ हलचल हुई। तैनू भुलेखा लग्या, सिखां दा खोरा खोचा धरती तो खत्म कर दिता गया है, यह कोई भेखी होणगे, एक मुगल सिपाही बोलता है। पर मैं आप इन्हां नूं अंदर वड़दे देखिया है। इन्हां ने चोले पाए हुए हैं ते दस्तारां भी उही सिंघां वर्गियां उच्चियां जईयां। दूजा सिपाही डर जाहर कर रहा है। वह झल्या नीले बाणे नाल ही कोई सिंह नहीं बन जाता, तो ना ही दस्तार सजा के। ये जरूर कोई भेखी होणगे, क्योंकि जे सिंह होंदे तां हुण तक साडे मूहरे आके सानू वंगार देंदे। भुल गया उन्हां बारे, नाल शेर भी कदे झल्लां विच लुक बहिंदे आ, गिद्दड़ गुद्दर होणगे कोई शेरां दे बाणिआं विच। दूजे सिपाही ने डर रहे सिपाही का डर लाए ते घोड़े अगाह नूं तोरे। सरकंडियां विच हिलदे दमालियां वाले सिर हैरानी अते बेबसी नाल इक दूजे वल तक रहे हैं। अखां दिखाई दे रही हैं ते इंज जापदा है कोई जवाब देण लई कालियां हन। तुरकां दे इह बोल सिंघां नूं ठूहे दे डंग वग लगे हन। साची तां कह रहे ने मुगल सिपाही, इक सिर बोलदा है, बचत्तर सिंह साढ़े चेत्यां चों ही विसर गया है। हाथियों नाल टक्कर लैंदे लैंदे अज असीं गिद्दड़ां वांग लुकदे फिर रहे हां। मेड़े मारन वाले तां सच्चे ही हन। कि असीं सच्चे हाँ? कि असीं अंदरों भी तैसे सिख ही हाँ जैसे कि बाणियां तों दिसदे हाँ? इंज लुक बैठिया नहीं सरना सिंह, मरिया नूं मेहणे नहीं सुणदे। जे असीं जिउंदे हाँ तां जिउंदे होण दा सबूत देईए। असीं सिर बचा रहे हाँ, जिहड़ा असीं दावा करदे हाँ कि पहलां ही गुरू नूं भेट कीता होया, बोता सिंह बोलदा है। उन्हां दी इह गल्लबात उपर खलोता एक मस्ताना सुन रहा है। वह गौर नाल झाड़ियां वल देखदा है। डांग संभालदा होया गरजा सिंह बोलदा है, तुसीं ठीक कहिंदे हो सिंह जी, दुनियावी तख्तां दे भरम तोड़न दा वेला आ गया है ते दोवें बाहर आ जांदे हन। हम राखत पातशाही दावा, बोता सिंह दी कृपान दे मुठ्ठे नूं हथ लाउंदा होया मस्ताना बोलिया। दोवें सिंह झाड़ियां विचों बाहर आ पहे ते खलो जांदे हन। उन्हां ने फैसला कीता कि इस थां उत्ते उह खलोते हन, अज तों खालसा राज है। गुरू साहब ने अपने खालसे ते कृपा कीती ते उस धरती ते राज स्थापित कर लिया। खालसे नाल सतगुरां ने ब्रह्मंडी राज दा कॉल कीता है ते उसकी शुरुआत अज असी इस थां तों करदे हाँ, बोता सिंह बोलिया। गरजा सिंह ने अपने केसरी कमर कसे विचों कुछ कपड़ा पाड़िया ते एक सोटी नाल बन के निशान वांग चुला दिता। खालसा अकाल पुरख जी दा है ते अपने हर कदम दा जवाब दे सीधा अकाल पुरख जी नूं ही है, ते अज तों इह थां खालसे दी मलकीयत है। असी अकाल पुरख जी द्वारा भेजे गए नानक निरंकारी जी दे सच कोट सताणी नीम वाले राज दी लगातारता कायम रखते हुए अज इस थां हलेमी राज दा ऐलान करदे हाँ। गरजा सिंह डांग जमीन ते मारदा होया बोला, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, मस्ताना जुड़े हुए हत्थां नाल बोलता है। छोटे साहबजादे नूं जद जूठा नंद ने पुछा सी कि जे तुहानूं छड़ दईए तां की करोगे, तां उन्हां कहा सी असीं जंगलां विच जावांगे, सिंघ इकट्ठे करांगे ते तुहाडे नाल टक्कर लवांगे। जूठा नंद ने फिर कहा कि जे असी तुहानूं फिर फड़ लिया ते फिर छड़ दिता तां असी फिर जंगलों विच जावांगे, फिर सिंघ इकट्ठे करांगे ते फिर तुहाडे नाल टक्कर लवांगे, ते इह असी उन्ना चिर करदे रहांगे जद तक इस जालम राज नूं जड़ों नहीं पुट दिंदे। उन्हां दे इन्हां बोलां ने सरहद दीआं कंधां कंबण ला दित्तियां सन। असी उन्हां दे ही भरा हाँ, जालम हकूमत कहर डाह रही है ते असी लुक के किवें बैठे रहीए, बोता सिंह बोलिया। सरहद गुंजे उही बोल अज फिर दोबारा लाहौर दरबार दे कन्नी पाउण दा वेला आ गया। हो गया राज खालसे दा जी, हो गया राज खालसे दा, मस्ताना नच रहा है। हौली हौली कोल लोग इकत्र हो रहे हैं ते बड़ी हैरानी नाल इह सब देख सुन रहे हैं। दोहां सिंघां ने दिल्ली तो लाहौर जांदी जरनैली सड़क ते नाका ला दिता है ते समान लद के लंघण वाले हरेक गधे खच्चर गड्ढे तो कर वसूलन लग पए हैं। गड्ढे तो आना ते गधे खच्चर दा पैसा जो कोई तरन तारण साहब नूं चलिया है उस तो सिंह महसूल नहीं लैंदे, क्योंकि यह गुरू की नगरी चलिया है ते जो लाहौर चलिया उस तो पूरा कर वसूलिया जाता है। मस्ताना लंघण वाले तो पुछदा है किधर जाना, तरन तारण राही बोलता है। मस्ताना उसनों हथ जोड़ दिता है ते लंघण का इशारा करके कहता है जाओ जाओ। अगले राही नूं फिर मस्ताना पुछदा है किधर जाना, लाहौर, राही रोब नाल बोलता है। मस्ताना हसदा होया सिंघां नूं कहता है लाहौर जाना, इन्हें लाहौर, ते सिंह उस तो कर वसूलते हैं।
लोग नाले चुप चाप महसूल देंदे जांदे सन ते नाल नाल बोलदे जांदे हन किन्ना झूठा प्रचार कर रहा जकरिया खान। कहिंदा सारे सिख मुका दिते, धरती ते सिखां दा नाम निशान नहीं छड्डिया ते इत्थे सिखां दा राज कायम हो चुका है, किन्ना कुफर तोलदी है हकूमत। किसी गरीब राहगीर नूं ओह सिंह बिना किसी चुंगी दे लंघण दे दिंदे तां बोलदा हे बाबा नानक तुहाडे सिखां दा राज रहिंदी दुनिया तीक स्थापित रहे। हाकम तां गरीबां दे गल घुट के भी कर वसूलदे हन ते तुहाडे सिख गरीब नूं प्यार सत्कार दे के बिना चुंगी ले जाण दिंदे हन ते उह तुरदा जांदा सिंघां वल दे के हथ जोड़ दिंदा है। सिंह जी माया इकट्ठी करके आपां की करांगे, गरजा सिंह पुछदा है। माया इकट्ठी करके देहेंगे लंगर लाए, नंगा भुखा अर्थिया खाली कोई ना जाए, मस्ताना कोलों बोलता है। तो सुन के बोता सिंह हसदा होया इशारा करके गरजा सिंह नूं कहिंदा है, ये गल तो सारा जहान जानता है कि माया इकट्ठी करके खालसा की करेगा, गऊ गरीब का ढिड भरेगी, पर साडा असल मकसद तो हकूमत तक यह गल पहुँचाना है कि खालसा तो अजे जवान हो रहा है, अजे तो उसने आकड़ भन्नी है, तो तुसीं कहिंदे हो कि सिख मुका दिते, ये गल जकरिया तक किवें पहुँचेगी। जकरिया खान तो कहिंदा है कि पंजाब विच्चों सिखां दा नामो निशान मिटा दिता है ते बचे खुचे जंगली लुक गए हैं ते उन्हें कभी बाहर नहीं आना। उसनू दसीए तो सही कि कुंडलिया सप वीर खालसा अजे जिंदा है, गरजा सिंह बोलता है। तुसी ठीक कहिंदे हो सिंह जी, मैं हुणे कागज कलम लिआउंदा हाँ ते जकरिया खान नू आपां चिट्ठी लिखदे हाँ, उसनू किसे तो क्यों पता लगे, असी आप उसनू दसदे हाँ कि नूरदीन दी सरां ते खालसे दा राज हो गया है। हुण अगली साखी अगले एपीसोड च। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।